ज्यादा प्याज कम है, थोड़ा काट दे ताकि मैं फ्राई करके डाल दूँ ना। क्या मंत्र है तुम्हारे पास? जादू टोना, मजलूमियत का ढोंग, अदाओं के हथियार, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास चंदा? रोहिल को तो तुमने पहले दिन से ही अपने काबू में किया हुआ था, और अब जमशेद बेचारा, वो भी तुम्हारे जाल में फंस गया। बड़े लंबे मंसूबे हैं तुम्हारे, हैं? चची जान, खबरदार, हमसे किसी किस्म का रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खानदानी लोग हैं, किसी राह चलते से अलैक सलैक भी सोच समझ कर करते हैं। चंदा, तुम्हारे पास टाइम खत्म हो चुका। तुम्हारी मुंह बोली माँ और तुम्हारा मुंह बोला बाप दोनों इस वक्त घर पर नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वक्त है, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से, और आइंदा कभी अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना मुझे। जावे जिंदा है और खुश भी है, मेरे बगैर मेरा मिजाजी खुसा। उफ, इतना कमजोर था हमारा रिश्ता, मैं इसके बगैर दर दर की ठोकरें खाती रही, आज किसी खैर के दर पर पड़ी हूँ, और मेरा शौहर जिसकी मौत को मैंने तकदीर का लिखा समझा था, अपनी बेवकी को कुदरत की तरफ से किसी बदकिस्मती का समझौता समझा, वो जिंदा है, मुझसे अलग किसी और दुनिया में, मुझसे अपनी औलाद से बेपरवाह, शायद किसी और रूही की तलाश में। मैं ये नहीं होने दूंगी। ये घर और इस घर के एक एक फर्द मेरे अपने, जिंदगी की कड़ी धूप में मेरे लिए छांव की तरह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। स्कूल नहीं गई? क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है बताओ, हमें क्या हुआ है?
मैं सोच रही थी कि जब एक मर्द मरता है तो साथ में कई रिश्ते मर जाते हैं ना, बाप बेटा भाई शौहर, एक मर्द के कई रिश्ते, कुछ खुलूस और इशार के बहकर कुछ सिर्फ महज मर्द। बेटा हम तुम्हारे इस दर्द को समझ सकते हैं बेटा, जिन हालात में आपके शौहर का इंतकाल हुआ वो एक बहुत बड़ा सानिया था आपके लिए, लेकिन आप जैसी बाहिम्मत माँ बहनें बेटियां तो अल्लाह ताला की नेमत होती, और हमने तो आपको सख्त हालात में लड़ते हुए देखा है, मुकाबला करते हुए हालात से। आगे भी सब कुछ आपके हक में बेहतर होगा। आप बहुत बड़ा हौसला है मेरे लिए बेटा, बस बिल्कुल नहीं रोएंगे आप, जाए तैयार होके फौरन आ जाए, चलो शाबाश। सलाम अलैकुम चाची जान, मेरी गाड़ी आ गई है। याद रहे हमने तुम्हें इस घर से बाइज़र जाने का मौका दिया था, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं है। नहीं, मैं खुद भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं जल्दी चली जाऊंगी यहाँ से। अभी फिलहाल मेरी स्कूल की गाड़ी आ गई, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, जब तक इस घर में रहना अपने कमरे की हद तक रहना, अपना मनहूस साया मेरी बेटी से दूर रखना। जी